गुड इवनिंग दोस्तों, आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर के आए हैं, जिसका हर एक दिवसीय परीक्षा में बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ से कम दो नंबर या दो न कहें तो एक नंबर के सवाल अनिवार्य रूप से पूछ लिए जाते हैं किसी भी परीक्षा में। तो हम इसको आप लोगों के लिए इसका संपूर्ण हल लेकर के आए हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग समझिए और कमेंट में फिर लिखिएगा कि कैसा लगा। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे आर्टिकल्स, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है उपपद। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप लोग देख रहे हैं नंबर एक लिखा है डिफिनिट आर्टिकल, इसके अंतर्गत जो होता है द आता है, यानी डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत केवल द अक्षर आता है। और नंबर दो पे आप लोग देख रहे हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, यानी इनडिफिनिट आर्टिकल में दो शब्द आते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है एन। ए और एन ये इनडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं और द जो होता है ये डिफिनिट आर्टिकल में आता है। अब अगर डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि ए डिफिनिट आर्टिकल है या इनडिफिनिट आर्टिकल है, इस टाइप से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है कि हम भूले ना, हमको भ्रम ना हो। इसके लिए हम ये देखेंगे कि डिफिनिट ये डिफिनिट आर्टिकल और इसमें इन लग गया है इनडिफिनिट आर्टिकल, तो समझ लीजिए जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है उसमें दो वर्ड आते हैं और जो सिंगल ही है मतलब डिफिनिट ही है उसमें एक है। ये भ्रम को दूर करने के लिए है तरीका, हम आप लोगों को याद करने के लिए बता रहे हैं कि जिसमें कुछ ज़्यादा वर्ड आ रहा है उसमें डबल हैं और जिसमें कुछ कम वर्ड आ रहे हैं उसमें सिंगल है। तो द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल है और ए और एन ये इनडिफिनिट आर्टिकल हैं। अब हम ये देखेंगे, पहले हम डिफिनिट आर्टिकल की सारी विशेषताओं को देखें और इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को अच्छी तरीके से बताते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल यानी निश्चय उपपद के प्रयोग। डिफिनिट का मतलब निश्चय होता है, इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चय होता है, ये भी जान लीजिए। तो निश्चय उपपद के प्रयोग यानी डिफिनिट आर्टिकल के प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे, यानी द का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो नंबर एक पे आप लोग देख लीजिए, किसी नाउन का पहली बार प्रयोग होने पर ए या एन का प्रयोग होता है, दूसरी बार प्रयोग होने पर द लगता है। अब समझ लीजिए उदाहरण से क्या कहना चाह रहा है नियम में। कह रहा है आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, द बॉय वाज हेल्दी, लड़का बहुत स्वस्थ था, लड़का स्वस्थ था, मोटा ताजा था। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पहली बार देख रहे हैं आप लोग ए का प्रयोग हुआ है, इसी बॉय के पहले ए का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर जब बॉय आ गया तो इसके पहले द का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पे ए और यहाँ पे द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि नियम हमारा ये कह रहा है कि अगर उसी लड़के या उसी नाउन से संबंधित कोई बात हमें अगले में कहना है, अगले सेंटेंस में बताना है, तो उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना जरूरी है, यानी हमको मस्ट है, हम द का प्रयोग करेंगे। आई मेट ए बॉय, यहाँ पे ए लगा पहली बार में, कह रहा है देखो ए या एन लगाएंगे पहली बार में, लेकिन अगर उसी से संबंधित कुछ बातें फिर कहनी है हमको अगले भी सेंटेंस में, तो उसके पहले हमें द लगाना जरूरी है, तभी हमारा ये संकेत जाएगा कि हम उसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नियम देखते हैं, जब एक वचन की संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराए तब हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। संपूर्ण जाति का बोध कराए यानी कोई ऐसा नाम हम लें जिससे हमें ये पता चले कि उसके पूरे जाति समूह का बोध हो रहा है, पूरे जाति समूह की जानकारी मिल रही हमको, तो हम वहाँ उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कह लेते हैं द काउ इज यूजफुल एनिमल, गाय एक लाभदायक जानवर है।
तो गाय एक लाभदायक जानवर है, कहने का मतलब ये हो गया कि गाय कोई विशेष गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गाय जात की बात हो रही, जितनी गायें होती हैं सब एक लाभदायक जानवर होती है। तो ऐसी दशा में इस गाय का प्रयोग जब हुआ है तो उसके पहले हमें दा लगाना जरूरी है, यानी हम आर्टिकल दा का प्रयोग यहाँ भी करें। तीसरा देख लेते हैं, नदी पहाड़ पर्वत समुद्र द्वीप खाड़ी आदि के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। नदी हो गया, कोई भी नदी हो गई, छोटी बड़ी नदी कोई भी नदी हो गई, पर्वत हो गया, समुद्र द्वीप खाड़ी समूह महाद्वीप, इन सब के पहले जो है हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना जरूरी होता है। इसके पहले हम दा लगाएंगे तब उसका हमें अर्थ स्पष्ट होगा, अगर दा नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ बदल सकता है, उसका अर्थ दूसरा कुछ निकल सकता है। जैसे देखते हैं गंगा, अगर हमको लिखना है तो हम केवल गंगा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द गंगा। लाल सागर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे द रेड सी, केवल रेड सी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द रेड सी। कोई हिमालय की एवरेस्ट चोटी लिखना है तो द लिखेंगे द एवरेस्ट। तो इस टाइप से कोई भी कुछ लिखना है, यानी नदी पहाड़ पर्वत समुद्र द्वीप खाड़ी आदि के पहले हमें क्या लगाना है, आर्टिकल द। अगला हम देख लेते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकों के पहले, पुस्तकों के नामों के पहले, यानी जो महान ग्रंथ हैं या बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं उनके पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे लिखना हुआ हमें रामायण लिखना हुआ तो हम लिखेंगे द रामायण, बाइबिल लिखना है तो लिखेंगे द बाइबिल, कुरान लिखना है तो लिखेंगे द कुरान, महाभारत लिखना है तो लिखेंगे द महाभारत, वेद लिखना है तो हम लिखेंगे द वेदाज। तो इस टाइप से इन ग्रंथों इन किताबों महान किताबों के पहले भी द का प्रयोग होता है। अगला देख लेते हैं, अद्वितीय है, अद्वितीय वस्तुओं के पहले, ऐसी वस्तुएं जो संसार में पाई जाती हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है, जिनका कोई सापेक्ष चीज नहीं है, उनके नामों के पहले हमें दा लगाना जरूरी होता है। जैसे सन, सन के पहले हम दा लगाएंगे क्योंकि अद्वितीय है ये, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सन नहीं है या इसके समकक्ष कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये अद्वितीय है, अद्भुत चीज है। द स्काई, द मून, द अर्थ, ये सब अद्भुत चीजें हैं, अद्वितीय चीजें हैं, इनके पहले भी हमें दा का लगाना जरूरी होता है। यानी जो अद्वितीय चीजें हैं, जो संसार में अपने आप में केवल अकेली है, एक है, इनके पहले दा का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं छठवां नंबर, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। जैसा कि आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव की डिग्रियां जो होती हैं वो तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ उसके पहले हमें दा लगाना जरूरी होता है। जैसे ग्रेटेस्ट अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट, बेस्ट लिखना है तो लिखेंगे द बेस्ट, स्वीटेस्ट लिखना है तो लिखेंगे द स्वीटेस्ट। मतलब अगर सुपरलेटिव डिग्री है कोई तो उसके पहले हम द जरूर लगाएंगे, नहीं तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा, हमारा वाक्य सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा होम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, पर जब होम को स्पष्ट करने के लिए किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तब होता है। उदाहरण में देखते हैं, जैसे हमको लिखना है ही वेंट होम, वह घर गया, तब तो सिंपल सी बात है इसमें कुछ द का प्रयोग या कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पर जब हम इसी चीज को व्यक्त करने के लिए, किसी विशेष घर को व्यक्त करने के लिए हम यूज कर देते हैं, किसी नाउन का यूज कर देते हैं उसके पहले, यानी ही वेंट टू द बर्ड्स होम, वह चिड़ियों के घर गया, वह पक्षियों के घर गया, यानी इस बर्ड्स का प्रयोग जो हो गया, जो नाउन्स का नाउन का प्रयोग हो गया होम के पहले, तब हम, यानी अब विशेष घर की बात कर रहा है वो, तब इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो हमें विश्वास है कि ये द आर्टिकल आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल की तरफ। नंबर दो, इनडिफिनिट आर्टिकल। ये इनडिफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। इन दोनों में कहाँ पे एन लगाएं और कहाँ पे ए लगाएं, ये संदिग्ध बात बनी रहती है। और मेन चीज यही है, यहाँ से बहुत लोग गलतियाँ कर जाते हैं, बहुत छात्र जो है परीक्षाओं में भूल करके एक ही जगह एन का प्रयोग करके और एन की जगह ए का प्रयोग करके चले जाते हैं।
इसको जानना जो है बहुत मस्ट है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ पे किसका प्रयोग होगा। यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चय उपपद के प्रयोग। जब किसी सिंगुलर नाउन का मतलब जान रहे हैं एक वचन संज्ञा शब्द हो का पहला अक्षर व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करे तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। व्यंजन और स्वर जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, और वो भी व्यंजन और स्वर जो है हिंदी के चलेंगे, यानी हिंदी में जो व्यंजन और स्वर होते हैं उसके उच्चारण ध्वनि के अनुसार हमें यहाँ पर ए और एन का प्रयोग करना है। जैसे देख रहे हैं उदाहरण में दिस इज ए मैन, ए का प्रयोग हुआ है। मैन चूंकि आया है, मैन जो है ये शुरू किससे होता है हिंदी में, इस टाइप से। तो माँ अक्षर जो होता है हिंदी में वो क्या होता है, व्यंजन होता है। तो अगर व्यंजन हमको मिल रहा है और एक की अंग्रेजी उसके पहले हमें लगानी है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि हमें व्यंजन मिल रहा है। पढ़ते हैं जब उसका उच्चारण करते हैं जो ध्वनि निकलती है वो हमें व्यंजन ध्वनि निकलती है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। जैसे दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है, तो टी ट्री, ट्री का मतलब कौन सा अक्षर आया हमारे यहाँ, ट्री आया इस टाइप से। तो टा अक्षर जो क्या है, ये व्यंजन है, तो इस व्यंजन की वजह से यानी उच्चारण अगर व्यंजन निकलता है तो ए का प्रयोग करेंगे हम। इसी के बदले में हम दूसरा देख लेते हैं, जब किसी सिंगुलर नाउन शब्द का पहला वर्ण स्वर ध्वनि का उच्चारण करे तब आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अब स्वर और व्यंजन ये भी समझ लीजिए, स्वर जो होता है छोटा आ से लेकर हिंदी में ए आई औ ओ आओ औ अव तक होता है, यानी सब मिला करके ये हो जाता है तुम्हारा 11 स्वर होते हैं हिंदी में, और कितने 41 व्यंजन होते हैं। ये दोनों मिला करके तुम्हारे अक्षर बन जाते हैं, जो 41 और 11 मिला करके 52 वर्ण बन जाते हैं हिंदी के। तो व्यंजन अगर इनमें से कोई वर्ण आ जाता है हिंदी के 41 वर्णों में से कोई उच्चारण ध्वनि इसमें से निकलती है तो उसके पहले ए लगाएंगे, और ये 11 जो होते हैं इनकी उच्चारण ध्वनि अगर निकलती है तो हम दूसरे में देख लेते हैं, इनके पहले हमें एन लगाना है। जब किसी सिंगुलर नाउन शब्द का पहला वर्ण स्वर ध्वनि का उच्चारण करे तब आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, दूसरा आई सा एन ऑक्स। राम इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में जब हम ऑनेस्ट को पढ़ते हैं लिखा तो यच से गया है, पर जब हम पढ़ते हैं हिंदी उच्चारण करते हैं तो आता है आ, छोटा आ, ऑनेस्ट आता मतलब बड़ा आ आता है। तो बड़ा आ जो है ये हमारा स्वर है और इसकी ध्वनि जो है ये स्वर ध्वनि निकल रही है हिंदी के, तो इसके पहले हमें किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर स्वर ध्वनि निकलेगी तो एन का प्रयोग, व्यंजन ध्वनि निकलेगी तो इसका ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखते हैं आई सा एन ऑक्स, मैंने एक लोम, ऑक्स मीन्स क्या होता है बैल, मैंने एक बैल देखा, तो इसका मतलब ये हो गया ऑक्स आया तो ओ है, ओ अक्षर आया है पहले लेकिन इसका उच्चारण निकल रहा है बड़ा आ, ऑक्स, तो इसका उच्चारण आ निकल रहा है इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। वैसे ये बताया जाता है इंग्लिश में ए आई ओ यू ई, ये पांच शब्द इंग्लिश के स्वर माने जाते हैं, इन स्वरों के पहले यानी इंग्लिश के ये स्वर पांच माने जाते हैं, इनके ये वर्ड अगर पहले आ जाते हैं तो उनके पहले सामान्य रूप से कहा जाता है कि हमको एन का प्रयोग करना है, पर हम उनके उच्चारण पर आधारित हैं, हम उनके उच्चारण को देखेंगे। अगर उच्चारण स्वर ध्वनि से निकल रहा है तो हम एन लगाएंगे, और अगर व्यंजन ध्वनि से निकल रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे अब आर्टिकल। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के एक दिवसीय एग्जाम के लिए या इंग्लिश ग्रामर के लिए भी,
इसमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसको गहनता से एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए, प्रचार कीजिए, हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी सफलता की ओर हम आप लोगों को ले जाते रहेंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और लोगों को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि इसका लाभ उन तक भी पहुंचे। धन्यवाद।